अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को दो परमाणु बम जापान के हिरोशिमा नाकासाकी पर अमेरिका ने गिराया, लेकिन 1945 से लेकर 2016 इन 71 ईयर्स की टाइम में आज तक कोई जापान के सिटीजन ने अमेरिका खिलाफ नारेबाजी नहीं किया कि अमेरिका मुर्दाबाद, गो बैक यूएस, आप अमेरिका वापस जाइए। उन्होंने कभी कैंडल मार्च नहीं निकाला, कभी 6 अगस्त 9 अगस्त को शोक दिवस नहीं मनाया। उनके प्राइम मिनिस्टर से जब पूछा गया कि आपको ऊपर दो परमाणु बम गिराया गया, आप अमेरिका खिलाफ आपको रोष नहीं है, प्रतिशोध आप नहीं लेते हैं, तो उनके प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने क्या कहा कि आज यूएस प्रेसिडेंट के ऑफिस में सोनी टीवी रखी है, पैनासोनिक फोन रखा है, उनके टेबल पर साइन करने की पेन जापान की रखी है, ये हमारी अमेरिका के सामने जीत है, कैंडल मार्च से हमारी जीत नहीं होती। वो कभी जाकर के प्रतिशोध नहीं किए। डेट इज वैल्यूबल एजुकेशन सर, ये हमें खुद सीखना चाहिए और ये आचरण से सिखाया जाता है। हमें किताबों में भले ही ना हो, लेकिन हम जीवन से एजुकेशन 5 जगह से मिलती है सर। सबसे पहले एजुकेशन फैमिली एजुकेशन हमको परिवार से मिलता है। मैं बहुत छोटा था, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे कुछ बातें सिखाई थी जो आज भी मैं नहीं भूलता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो इंसान गलती को छिपाता है वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। बेटा कभी जिंदगी में गलती को छिपाना नहीं। उन्होंने कहा अगर कोई अंधेरी रात में थोड़ा सा टॉर्च दिखाकर रोशनी दिखा दे तो पूरी जिंदगी उसके एहसान को मत भूलना। छोटी छोटी बातें लेकिन आज भी याद रखता हूँ। तो सर वैल्यूबल एजुकेशन के बिना लाइफ कुछ नहीं होती। तो चाहे हमारे सिलेबस में डालें या न डालें, हमें अपने जीवन से जरूर सिखाना चाहिए आई थिंक। और कुछ पूछना चाहते हैं? શિક્ષણના દિગ્ગજ દિગ્ગજ લોકો અહીંયા બેઠા છે, તો મારું તો એવું માનવું છે ને એવી રિક્વેસ્ટ છે કે સ્વામીજી ફ્રાન્સલાથી અહીંયા આપણી સમક્ષ આવ્યા છે, તો ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય છે પણ એ શેરીના ના કે અથવા તો આપણી ઓફિસોમાં જ તે બે જણા થઈને સોલ્વ કરી નાખતા, આને આમ કરવું જોઈએ અને આને આમ કરવું જોઈએ। તો અત્યારે સ્વામીજીને આપણને સ્વામીજીએ મોકો આપ્યો છે તો એ ગુમાવો ન જોઈએ, પૂછો પ્રશ્ન, ઘણા બધા લોકો બેઠા છે। આપને દો બાતે કહી, ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ ઓર મલ્ટીપલ ઇન્ટેલિજન્સ, તો એ દોનો બાતે હમ સ્ટુડન્ટ્સ તક કેસે લે જા સકતે? ગુડ, આપ ઇસકો હમેશા લે જા સકતે। અબ જૈસે દેખીએ, મલ્ટીપલ ઇન્ટેલિજન્સ કો હાર્મોનિયસ ડેવલપમેન્ટ, સર્વાંગીણ વિકાસ। મેં આપસે રિક્વેસ્ટ કરતા હું, આપકે પાસ થોડા સા પૈસા હો જાય तो एक बार इजराइल जरूर जाइए। वहाँ तेल अबीब से 5-7 किलोमीटर दूरी पर एक प्रयोग करते हैं, चाइल्ड टाउन बनाते हो। मैं अभी अक्टूबर महीने में तेल अबीब यूनिवर्सिटी में बात करने गया, तो जिस प्रोफेसर साहब के घर पे रुका था मैं, मैंने कहा सर मुझे आपकी फार्मिंग देखनी है। बोले यस यस। वो खटाखट बूट पहने और ऊपर सीढ़ी पर चढ़ करके छत पर हेलीकॉप्टर उड़ाया, आप आइए, हेलीकॉप्टर में बैठाया। हमने कहा सर आप फार्मिंग हेलीकॉप्टर से जाते हैं? बोले हमारे यहाँ कॉमन आदमी, हम लेबर लेकर के हेलीकॉप्टर से खेत में जाते हैं। तो हमने कहा हमारे यहाँ फार्मर सुसाइड करते हैं, आप हेलीकॉप्टर से खेती में? तो मैं हैरान रह गया। तो उनका बेटा आया, छोटा सा था, 9th क्लास में। उसको कहा आज आप 2 घंटे सैंड रनिंग करेंगे और धूप में करेंगे, सैंड के ऊपर, समझते हैं ना, रेत के ऊपर। मैंने कहा सर इसको इतना क्यों? बोले इसके अंदर कैपेसिटी बिल्डअप करना है। बोले हम एक दिन बच्चे को दिन भर भूखा रखते हैं महीने में, एक दिन उनको धूप में रखते हैं,
ताकि उनको हर प्रकार की क्षमता पैदा हो, वो हर परिस्थिति सिचुएशन को फेस कर सके। जो प्रोफेसर साहब ने हमें बताया वो बात हमने स्वामी रामतीर्थ की पुस्तक में पढ़ी थी। उनसे पूछा गया, स्वामी जी सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी है जिसे पढ़कर ज्ञान मिलेगा? तो स्वामी जी ने कहा, द बेस्ट बुक इज वर्ल्ड, संसार सबसे अच्छी किताब। फिर पूछा विद्यार्थी ने, स्वामी जी सबसे अच्छा शिक्षक कौन है जिसके पास ज्ञान सीखना चाहिए? तो उनका, द बेस्ट टीचर इज सिचुएशन, परिस्थिति सबसे अच्छा अध्यापक होता है। फिर कहा, स्वामी जी सबसे अच्छा मार्गदर्शक कौन है? तो उनका, द बेस्ट प्रीचर इज हार्ट, सबसे बड़ा मार्गदर्शक अपना दिल होता है। दूसरा आपको मुफत एडवाइस देगा, सलाह मुफत में मड़े छे। भाई भिखुदान गढ़वी कहे छे कि बापू हम मारसो मफत में सलाह आपे छे। एक भाई कीधु घर में उंदर ने त्रास घणु छे, तो बीजा भाई सलाह आप्यो कि भाई घर में उंदर ने त्रास छे तो एरू पालो, एरू होय तो उंदर नो नड़े। तो कहे एरू होय तो सुवा क्यां जाओ, कहे चौरे जाओ चाहे टेसे ने जाओ। तो एडवाइस फ्री में मिलती है टैक्स वगैरह, तो ऐसे एडवाइस की जरूरत नहीं होती। तो बेस्ट, द बेस्ट टीचर इज सिचुएशन, परिस्थिति सबसे अच्छी अध्यापक होती। फिर कहा, द बेस्ट फ्रेंड इज गॉड, ईश्वर सबसे अच्छा मित्र होता। दूसरा व्यक्ति आपको अच्छा कह सकता है या बुरा कह सकता है, लेकिन आप क्या हैं आपको मालूम है या ईश्वर को मालूम है? दूसरे के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसलिए आप अपने आप को जब सोचेंगे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, आप एक्सपेरिमेंट करिए। मैं आपको एडवाइज कर सकता हूं, एडवाइज देने में टैक्स नहीं लगती है, लेकिन इंप्लीमेंट आपको करना है। इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे मान लो कि बच्चे ने आपका लेसन याद नहीं किया, लेकिन इससे 50 लोगों का नाम पूछो बता देगा, इसका मतलब ब्रेन इसमें है। तो इसके अंदर उस सब्जेक्ट के प्रति इमोशन पैदा करिए, उसके अंदर उसको लॉजिकल समझाइए जिसके प्रति उसमें इंटरेस्ट पैदा हो, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर उसको पढ़ करके हार्मोनियस डेवलपमेंट के लिए, जैसे कृष्ण का जीवन देखिए, ही वॉज गुड राइडर ऑल्सो, ही वॉज गुड स्पीकर ऑल्सो, ही वॉज गुड थिंकर ऑल्सो, यू नो, हर फील्ड का नॉलेज उसको अच्छी बात हो, तो उसको मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुयामी प्रतिभा का धनी बताइए। अगर उसको फिजिक्स का नॉलेज है तो ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, फिलॉसफी का भी नॉलेज होना चाहिए, हिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अच्छे गुड कॉम्पिटेंट सक्षम बन सकते हैं। अब जैसे आपको साइंटिस्ट बनना है तो फिलॉसफी का नॉलेज होना जरूरी है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको ज्योग्राफी का नॉलेज भी होना जरूरी है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? हाँ जी, केमिस्ट्री के। आप देखिए 3-3, बुरा मत माना, 3-3 × 6 + 2 इक्वल क्या होगा? अब नहीं होगा, आप इस, चलो छोड़ देते हैं इस बात को। मैं भी पढ़ता लिखता हूँ, तो मैथमेटिक्स अगर वो ब्रैकेट में होता तो 2 होता, ब्रैकेट में नहीं है इसलिए इसका आंसर आएगा -13। आप हिसाब लगाना, 3-3 × 6 + 2 = -3, -13। तो -13 क्यों आया, तो उसको आपको सोचना चाहिए। तो इसके लिए हमेशा मल्टीपल इंटेलिजेंस, अगर मैथमेटिक्स का ज्ञान है तो आपको और भी रिलेटेड नॉलेज होना जरूरी है। तो आप खाली एक सब्जेक्ट से भी आपका काम नहीं चल सकता, तो ये चीज उसको कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको फिलॉसफी का नॉलेज होना चाहिए, आप टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको हिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए। डेट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस सर। और कुछ पूछिए,
या सर आपने शुरुआत में बोला मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट आपने पहले बताया बहुत नहीं होता है, तो आप मैनेज कैसे करते हैं? देखिए मैं जिस तरह से प्लेन में हूँ, 1 घंटे की फ्लाइट है तो मैं वहाँ पूरा कर लेता हूँ, या कहीं फालतू टाइम मिला 3 घंटे 24 घंटे में मैं पूरा करता हूँ। वो कैसे करता हूँ, कब टाइम मिलता है, जब मिलता है उसका कोई बाउंड्री नहीं कि समय हमें पढ़ना ही है, मगर 24 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। तो उसको जो भी टाइम है, कहीं वेटिंग करना है वहाँ हम पढ़ाई करते, बुक्स मेरे पास रहती हैं तो पढ़ना पड़ता सर। जिंदगी का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आप देखिए 20वीं शताब्दी में पढ़ाया जाता था प्रिंसिपल ऑफ वॉर, लेकिन अब पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट करना जरूरी है, और लाइफ इज ओनली एडजस्टमेंट सर जी। और पूछिए कुछ। यस सर, आर यू टीचर स्टूडेंट? ओह गुड, नाइस मीट यू। हमने सुना है कि हमें कुछ भी करना होगा, हमारा जो भी सपना होगा तो उसको साथ में लेके चलना होगा, तो अब जब आप भी हमारी एज के होगा तब आपने क्या सोचा होगा कि आप भी इस शिविर की स्थापना करेंगे? हाँ नहीं, मैं अपने जिंदगी का सबसे फेलियर स्टूडेंट हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे जिंदगी का सपना था कि मैं एक अच्छा साइंटिस्ट बनूं, जैसे माइकल फैराडे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग से ज़्यादा प्रभावित था। मैं बहुत छोटा था, 27 डेज का था, मेरी मदर नहीं थी, तो मेरी स्टेप मदर थी, मेरे साथ बहुत इनजस्टिस करती थी, पार्शलिटी करती थी, तो मैं शिकायत अपने ग्रैंड मदर से करता था। तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे समझाया कि जिंदगी की सफलता ये नहीं है कि आपके पास कितना वेल्थ है, जिंदगी की सफलता ये नहीं है कि आपके पास कितना नॉलेज है, जिंदगी की सफलता ये नहीं है कि आपके पास कितना पावर है। मेरी ग्रैंड मदर ने समझाया, इफ यू कैन हेल्प समबडी इन लाइफ ओनली देन योर लाइफ इज वर्थ लिविंग। अगर आप किसी के काम आ सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी के जीवन को बचा सकते हैं, तभी आपका जीवन सफल है। अगर आप किसी के काम नहीं आ सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते, किसी के जीवन को बचा नहीं सकते, तो आपका जीवन सफल नहीं। तो देखिए, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने पेंसिलिन का डिस्कवर किया, तो मिलियंस ऑफ पीपल को निमोनिया डिसीज से बचा लिया। आज एलेक्जेंडर ग्राहम नहीं है, पहले सुनते थे देवता लोग आकाशवाणी करते थे, आज रेकड़ी वाले के जेब में आकाशवाणी होती है एलेक्जेंडर ग्राहम की दया से। आज थॉमस अल्वा एडिसन की दया से हम इस अंधेरे रूम में रोशनी में बैठे। तो जिंदगी का पहला सपना था कि मैं ऐसा साइंटिस्ट बनूं, टेक्नोक्रेट बनूं, जो किसी के काम आ सकूं, लेकिन हो नहीं पाया। जिंदगी का दूसरा सपना देखा कि मैं ब्यूरोक्रेट्स बनूं, लेकिन वो भी मैं नहीं बन पाया। जिंदगी का तीसरा सपना देखा कि भगवान को ढूंढूं, किसी ने बताया 5 ज्योतिर्लिंग की चलकर के यात्रा करो, शंकर जी मिलेंगे। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा 11,490 किलोमीटर चलकर के देखा, वो भी नहीं हो पाया। तो जिंदगी का चौथा सपना देखा कि मैं संस्कृत का बहुत बड़ा स्कॉलर बनूं, वेदों का अध्ययन करूं। मैंने यजुर्वेद सामवेद याद किया, हिंदी सीखा, संस्कृत सीखा, लेकिन वो भी सपना पूरा नहीं हो पाया, छूट गया। फिर सोचा कि गाय को बचाएंगे, 5,000 गाय की गौशाला बनाई, वो भी फेल हो गया। अब मैं आपके पास खड़ा हूँ। तो जैसे सपना देखना जाता हूँ, सपने टूटते जाते हैं। तो कहते हैं ना, इस दिल के टुकड़े 1,000 हुए, कुछ यहाँ गिरा, कुछ वहाँ गिरा, तो टुकड़े होते जा रहे हैं। हाँ जी सर, पूछिए। स्वामी जी, यदि श्रुति है सब टीचर आपको ज़्यादा प्रश्न क्वेश्चन करेगी, तो कृषि टैक्स या स्वच्छता टैक्स लगाएगी क्यों? किसकी ये प्रश्न आपको? ये टीचर लोग हैं, ज़्यादातर क्लास में बच्चों को ऐसे बोलते हैं
मैं भी बोलता हूँ कि कुछ पूछो तब गुजराती में कई कई पूछो तो खबर पड़े ना, हमने आवड़े से नहीं आवड़तू, यदि ऐसा कुछ टैक्स वगैरह वगैरह लगाएंगे नहीं ना? नहीं मुझे क्या पूछो तो स्वामी जी ने खबर पड़े कि भैया खाली मगज में कितलुक भरवो है, हम माफ कर जो भाई कोई ने दुख लाग्यो है। सर सुना है कि जापान में जापानीज भाषा में शिक्षण दिया जाता है, तो जरूरी यह है कि हमें जो समझ में आए उसी की भाषा में, उसी भाषा में, मतलब मानो कि मैं गुजराती समझता हूँ या फिर हिंदी समझता हूँ, तो हिंदी में या गुजराती में अगर मुझे सिखाया जाए या मैं किसी को सिखाऊँ तो ज़्यादा पता चलता है या ज़्यादा सीख सकते हैं? देखिए एजुकेशन भाषा कोई विरोधी नहीं है, हमें दुनिया की हर लैंग्वेज